वर्जा को मथुरा का राजा बनाया और परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया। उसका बाद परीक्षित का कि चार लड़का था, कौन क्या परीक्षित का चार लड़का बड़ा लड़का का जन्मेजया, उसके बाद सुतसेन, उसके बाद भीमसेन, उसके बाद उग्रसेन, पता है ना, ये चार लड़का था परीक्षित महाराज का, परीक्षित महाराज का। तो परीक्षित महाराज का जो चार लड़का था वो बड़ा कौन था, जन्मेजया। तो जन्मेजया की जन्मेजया परीक्षित महाराज का जाने का बाद जन्मेजया की राजा बनेगा और राजा बन गया ऑलरेडी। यहाँ पे तो अभी तक बना नहीं, बनेगा है ना। तो महाराज परीक्षित कृपाचार्य के गुरु रूपे वर्णन करें। तो आप लोग को पता है महाराज परीक्षित ने की कृपाचार्य को क्या बनाया, महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को गुरु बनवाया, हाँ वो लोग को देखभाल करने के लिए महाराज परीक्षित ने नियुक्त किया था, किसको, कृपाचार्य को। तो आप लोग को पता है कृपाचार्य की वो मरा नहीं, कृपाचार्य मरा नहीं ना युद्ध में, कीतवर्मा भी मर गया, कीतवर्मा मर गया युद्ध में, नहीं मरा कीतवर्मा, लेकिन कहाँ मर गया, कीतवर्मा शक्ति ने मार दिया कीतवर्मा को, पता है ना, जो बोलो कि ये क्या क्या बोला मैं उस दिन प्रवास में गया था तो फाइटिंग हो गया ना, हाँ वो बोलने लगा सत्यकी बोलने लगा जो तो जो काम किया था तो जो इसको मारा था पांडवों का लड़का को, पांच लड़का को मार दिया है, इसका साथ कृपाचार्य का साथ और सतमा था, ये तो बुरा किया, अच्छा नहीं किया, पता है ना। और कितवा में भी बोलने लगा सत्यकी को तो बुरी सेवा को मार दिया है, जब बुरी सेवा के हाथ में कुछ नहीं था, ऐसा करके तो ऐसा करते करते कि फाइटिंग हो गया है, और बैटिंग हो गया और वहाँ पे युद्ध करके ही एक दूसरे को मर दिया, एक दूसरे को मर दिया मीन्स व्हाट, एक दूसरे को मर दिया मीन्स पूरा वंश ध्वंस हो गया, पूरा वंश ध्वंस हो गया जो है युद्ध वंश, ऐसा करके सब। तो बर्जा जो है कृष्ण का लड़का, बर्जा मरा नहीं, कृष्ण का लड़का बर्जा जो है वो मरा नहीं, उसको मथुरा का राजा बनवाया, कौन बनाया, युधिष्ठिर ने बनाया। और युधिष्ठिर ने जब ये सुना जो कृष्ण चला गया जब ये सुना तब युधिष्ठिर ने की सिद्धांत किया कि महाप्रस्थान करने के लिए सिद्धांत किया युधिष्ठिर ने, तो महाप्रस्थान करने के लिए सिद्धांत किया, लेकिन राजा तो एक होना चाहिए, राजा तो एक होना चाहिए, देश को तो देखभाल करना चाहिए, तो देश को देखभाल कौन करेगा, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित को राजा बनवाया, पता है ना, परीक्षित को राजा बनवाया। तो यहाँ पे इस श्लोक में बोलने लगा महाराज परीक्षित कृपाचार्य के गुरु रूपे वरण करे गंगार तीरे तीनों में उन्होंने महाकुण महाराज परीक्षित दैट मीन्स कि अभी तक जिंदा है महाराज परीक्षित है, वो कुली को मिलेगा, पता है ना, कुली को मिलेगा उसका बाद वन में जाएगा, उसका बाद श्रृंगी ऋषि के द्वारा शाप मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन अभी तक मीट नहीं किया, अभी तक हैं। तो किया ये श्लोक, तो ये श्लोक ना आगे श्लोक भी हैं, लेकिन इसमें है महाराज परीक्षित कृपाचार्य के गुरु रूपी वरण करें, कृपाचार्य को गुरु रूपी वरण करें, गंगा के लिए तीनटी अष्टमेध यज्ञ करें। तो गंगा का क्या बोलते हैं, साइड में और किनारा में तीन अष्टमेध यज्ञ किया था, तीन अश्वमेध यज्ञ किया। तो आप लोग को पता है आगे का राजा महाराजा ने कि राजस्व यज्ञ करता था, अश्वमेध यज्ञ करता था राजस्व यज्ञ करता था। तो देखो यहाँ पे परीक्षित महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो परीक्षित महाराज तो ऑलरेडी ऑल्ड वर्ल्ड का राजा था, हम एक दिन बोला था ना सर सागर का, ये तो पृथ्वी का था, धरती का था, हैं, तो धरती पृथ्वी का थाने का होने का नाते भी सागर का की राजा था, हैं, सागर का की सात द्वीप
सात दीप ना, सात दीप सात महासागर हम लोग कहे ना, अटलांटिक महासागर, एशिया महासागर, स्पेसिफिक महासागर, ऐसा करके सात महासागर है, सात दीप है ना हम लोग का। तो ये सब का मालिक कौन था? परीक्षित महाराज था, पता है ना। तो परीक्षित महाराज ये सब देशों का और ये पृथ्वी का राजा होने का नाते भी उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, तीन अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ क्यों किया? अश्वमेध यज्ञ क्यों करता है राजा लोग ने? अश्वमेध यज्ञ क्यों करता है, क्यों करते हैं अश्वमेध यज्ञ? ना ऐसा बोल पा किया, अश्वमेध यज्ञ इसलिए करते हैं और ये यज्ञ में ना एक अश्व छोड़वाया जाता है, पता है ना, अश्व छाटता है वो लोग बहुत बड़ा करके यज्ञ करके ना एक अश्व छाटता है। तो ये कि ये अश्व छोड़ देगा, ये अश्व अश्व का पीछे 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 राजा का जो संत सामंत हैं वो लोग भी कि जाएगा, फॉलो करेगा अश्व को, ठीक है ना। हाँ, दैट मीन्स क्या होता है, ये अश्व इसलिए छोड़ता है कि अगर ये अश्व कोई आदमी पकड़ेगा तो वो जो आदमी पकड़ेगा वो आदमी जो आदमी अश्व छोड़ा उसका साथ युद्ध करेगा, पता है ना, उसका साथ क्या करेगा, युद्ध करेगा। और अगर कोई आदमी अश्व को नहीं पकड़ेगा तो मतलब क्या, तो मतलब दूसरा की कंट्री और स्टेट बड़े बाजू में वो राजा, दूसरे कंट्री का राजा और स्टेट का राजा, ये राजा का जो आदमी अश्व छोड़ा उसका क्या अधीन, अधीन कहता है हिंदी में, अधीन बनेगा। और आप अधीन बनने के लिए नहीं चाहते हो तो आप अक्ष पकड़ेंगे, अक्ष पकड़ेंगे और क्या, जो अक्ष छोड़ा उसका साथ युद्ध करेंगे, पता है ना, युद्ध करेंगे। ये ऐसा आपका मन में ये आएगा जी मैं उसका उदिन नहीं बनेगा, बनेंगे उसका उदिन में नहीं बनेंगे, उसका साथ में युद्ध करेंगे, इसलिए अश्व की पकड़ेंगे आप, पता है ना। तो युधिष्ठिर महाराज तो ऑलरेडी पृथ्वी का राजा था, हाँ, फिर भी जो आदमी बाहर का हो सकता है, कोई कोई हैं वो परीक्षित महाराज का हैं उदिन में अंडर में नहीं आया, तो इसलिए अश्व क्या। और ये सिर्फ बात नहीं है, अश्व अश्व यज्ञ करने का ये सिर्फ बात नहीं है, अश्व यज्ञ करने का और कितना कितना बात है, पता है ना, ब्राह्मण हत्या से रख सकता है, पता है नरक नरक से नरक जाने से कि रोक सकते हैं, ब्राह्मण हत्या करने से रोक सकते हैं, पता है ना, बड़ा 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 पाप से ये अश्वमेध यज्ञ की हमको रक्षा करता है, इसलिए ये अश्वमेध यज्ञ करवा जाता है। तो परीक्षित महाराज ने इसलिए अश्वमेध यज्ञ किया। तो गंगा का किनारा में तीन अश्वमेध यज्ञ किया, आपको पता है गंगा के बारे में, पता नहीं है गंगा के बारे में, पता नहीं ओह माय गॉड। देखो गंगा तो आप लोग को पता ही है, वो जो विष्णु बमन का जो पैर था ना, ये क्या ये यूनिवर्स छेदन किया था, छेदन करके गंगा कौन से कहाँ से आया, करण मिशन से, करण मिशन पे कौन सो रहता है, करण मिशन में कौन सो रहता है, करण है, करण एक्सरसाइज विष्णु, वो करण मिशन से ये गंगा उतर के आया था, करण मिशन से गंगा का कहाँ पे आया, करण मिशन से, करण सागर से ब्रह्मा का कमंडल में आया, और ब्रह्मा का कमंडल से कहाँ पे आया, हाँ शिव का जटा में आया, और शिव का जटा से उसका बाद गंगा, गंगा का चार भाग हैं क्या क्या, चाक्षु भाग, सीता भाग हैं, भद्रा, कितना करके गए, चार भाग हैं गंगा का, एक कितना कितना, एक स्वर्गलोक में किया, एक उधर किया, एक उधर किया, और एक भाग इधर आया, पता है ना, उत्तराखंड होके उत्तर प्रदेश होके बम्बई, उसके बाद बिहार होके बंगाल होके, उसके बाद गंगा सागर, पता है ना, ये एक गंगा, ये भद्रा लग रहा है मेरा,
पता है ना वन का चार भाग होते हैं ना, भद्रा चाक्षु, उसका बाद भद्रा चाक्षु सीता, ऐसा करके गंगा का चार भाग होता है। तो ये गंगा को, ये गंगा का तीर में बहन जो है उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। क्यों किया? गंगा तीर में कोई भी कर सकता था, है ना, कोई भी कर सकता था अश्वमेध यज्ञ। तो गंगा का तीर में, गंगा का किनारा में करने का क्या मतलब है? अश्वमेध यज्ञ क्या कहाँ पे भी कर नहीं सकते हैं क्या? हम लोग कर सकते हैं, है ना? नहीं कर सकते हैं। अश्वमेध यज्ञ कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बोलते हैं ना क्या, कर्मकांड, उसके बाद ज्ञानकांड, उसके बाद भक्ति, क्या एक से एक स्टेज कौन सा क्या है, बड़ा है ना? बड़ा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन गंगा का दिल में करने से क्या होता है, हैं? और थोड़ा है ना इफेक्टिव हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है ना? क्योंकि गंगा की महान है ना, गंगा महान है ना, इसलिए इफेक्टिव हो जाता है। गंगा इसलिए महान नहीं कि गंगा इसलिए महान नहीं कि हिमालय से उतर के आया, गंगोत्री से उतर के आया और गंगा सागर में आया जाके मिल गया, इतना लंबा नदी, इसलिए नहीं, पता नहीं। गंगा का महानता क्योंकि वो विष्णु का चरण स्पर्श किया, पता है ना, इसी तरीके से गंगा का महान है। नहीं तो आप एक्चुअली, क्योंकि आदमी लोग थोड़ा सा बुरा भी किया, दूसरा तरीका भी समझता है, कोई भी आदमी ना प्रश्न करता है गंगा को क्या महान बोला गया, गंगा का जैसा बड़ा तो और नदी भी है, बोलते ना ऐसा भी क्वेश्चन आता है। जैसा ब्राज़ील में अमेजन करके एक के ब्राज़ील में अमेजन करके एक नदी होता है, वो जो बहुत चौड़ा होता है, पता है ना, बहुत चौड़ा अमेजन करके एक नदी है ब्राज़ील में, बहुत चौड़ा होता है। उसके बाद अफ्रीका से निकला एक नदी है, बहुत देश हमारा गंगा तो की उत्तराखंड होके हैं, हिमालय होके, उत्तराखंड होके, उसके बाद बिहार होके, उत्तर प्रदेश होके, बंगाल होके हैं चला गया, उसके बाद बंगोपसागर में मिल गया। लेकिन जो साउथ अफ्रीका से हैं एक नदी निकला जिसका नाम नील नद है, नील नद। ये नील नद कितना देश होके गया था, इतना बड़ा है, पता ना, इतना बड़ा है। तो आदमी लोग क्वेश्चन करते हैं, ओ नदी क्यों बड़ा नहीं, इसको क्यों महान बोलता है, बड़ा बोलता है, इसको क्यों बड़ा बोलता है, उसको क्यों बड़ा नहीं बोलता है, वो तो बहुत देश होके गया था। और जो ब्राज़ील से निकला जो अमेजन है, वो अमेजन है नदी तो और बड़ा है, तो इसको क्यों बड़ा नहीं कहते हैं, इसको क्यों कहते हैं? तो ये जो मैं कहा था, ग्रेटनेस का मतलब ये नहीं ये वो बड़ा है, ग्रेटनेस का मतलब ये नहीं वो चौरा है। ग्रेटनेस का, गंगा का ग्रेटनेस का मतलब होता है कि गंगा करण सन से आया था ब्रह्मा की, भगवान का पैर स्पर्श करके आया था, ब्रह्मा का कमंडल में रहा था, शिव का इधर होके आया था, इसलिए गंगा महान है। तो इसलिए कि हम लोग गंगा का किनारा में कोई भी चीज़ अगर आप करो तो गंगा का किनारा में करने से अच्छा है, हैं? उसको गुण बढ़ जाता है, पता है ना। जैसा पहले वाला कहाँ पे दिया था भागवतम, कहाँ पे ये क्या बोलते हैं, विदुर ने भागवतम कहाँ सुना, विदुर ने भागवतम कहाँ, गंगा का किनारा में सुना, हैं? कहाँ बास करता था ये मत्रिय ऋषि, हैं? हरिद्वार में गंगा तो है, वहाँ पर भागवत गीता दिया गया, नवीशरण्य में भागवतम दिया गया, तो नवीशरण्य तो एक धाम है, नवीशरण्य तो एक धाम है भगवान का, कि भगवान का सुदर्शन चक्र उधर आया, तो सुदर्शन चक्र तो आप लोग जानते हैं, या तो पर्सनालिटी कौन है, ग्रेट पर्सनालिटी है सुदर्शन चक्र, है ना। तो गंगा का किनारा में हम लोगों को क्या, कोई भी अगर हम लोग यज्ञ कोई भी करे तो गंगा का किनारा में करने के लिए अनुमोदन किया शास्त्र में, पता है ना, अनुमोदन किया। क्योंकि गंगा पवित्र है, तो क्या हम लोग को पवित्र करता है। कोई भी आप यज्ञ करो, जाप करो, कोई भी करो, ध्यान करो, क्या उस लोग क्या देता है, गुड डायरेक्शन,
ऑस्पिशियसनेस है, नो नेगेटिव है, नो नेगेटिव की नेगेटिव थिंकिंग से, नेगेटिव वस्तु से, पता है ना, नेगेटिव वस्तु से अलग रखते हैं। ऑस्पिशियस वस्तु और क्या, ऑस्पिशियस एटमोस्फियर, एटमोस्फियर पॉजिटिव एटमोस्फियर मीन्स पॉजिटिव एटमोस्फियर क्या प्रदान करते हैं गंगा, पता है ना। तो इसलिए कोई भी चीज़ गंगा का किनारा में करा जाता है, पता है ना। वो हम लोग जो जो कर्मकांडों में जो जो यज्ञ के बारे में बोलवा गया ना, कर्मकांडों में जो यज्ञ के बारे में बोलवा गया, वो कर्मकांडों का जो यज्ञ के बारे में बोलवा गया ना, कहीं भी करने के लिए हम लोगों की आदेश नहीं किया, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह होना चाहिए। इसलिए देश काल पत्र, पता ना, ये नियम शास्त्र में है, देश काल पत्र कहीं भी जगह में आप नहीं कर सकते हैं, हैं? देश काल कोई भी समय में, कोई भी टाइम में, हैं? कोई भी टाइम पे आप नहीं कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, पता ना, देश एक पर्टिकुलर अच्छा जगह होना चाहिए। पत्र और क्या वस्तु से आप जाग यज्ञ कर रहे हैं, पता ना, क्या वस्तु से आप कर रहे हैं, वो वस्तु अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग का इष्टन का देवटी लोग बाहर की अगेन एंड अगेन एक एग्जाम्पल देते हैं, तुम लोग का कोई चीज कोई वस्तु की ओरिजिनल नहीं, जैसे घी, घी ओरिजिनल नहीं, ये दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल देते हैं ना। तो ये भी सही है, घी तो ओरिजिनल है नहीं ना, घी तो ओरिजिनल है नहीं, तो इसको बोलते हैं क्या, देश काल पात्र है, कौन सी क्या चीज़ में, क्या चीज़ से आप यज्ञ कर रहे हैं, पता है ना। और उसके बाद ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो मंत्र उच्चारण करे वो ठीक ठीक हो, अगर ठीक ठीक नहीं हो तो क्या है, मीनिंग दूसरा बन जाएगा ना, हुआ था ना भागवतम में, आपको पता है दूसरा बन जाएगा। तो इसलिए सिक्स नियम हैं कर्मकांडों में है, पात्र ठीक होना चाहिए, जो कर रहे हैं वो ठीक होना चाहिए, ब्राह्मण ठीक होना चाहिए, कहाँ कर रहे हैं वो ठीक होना चाहिए, जगह का ठीक होना चाहिए, ठीक है ना, विधि ठीक होना चाहिए, इसे करके सिक्स नियम है कर्मकांडों का, पता है ना। से यज्ञे तिनि प्रचुर दक्षिणा दान करेछिलेन, वो जो यज्ञ किया था, क्या यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था ना, तो अश्वमेध यज्ञ में क्या किया था, उन्होंने बहुत दान किया था। हाँ, पहला 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 दिन में तेमोस अगर कोई दान होता था तो क्या दान होता था, तेमोस दान, अच्छा दान क्या होता था, तेमोस क्या दान होता था, गोमाता, गोमाता दान करना, ठीक है ना, काऊ, काऊ दान करना है, सरना दान करना, ठीक है ना, वो अच्छा अच्छा दान होता था पहला, गौ माता बेस्ट। उसके बाद कन्या दान करना, राजा लोग क्या करता था, कन्या दान, उसके बाद स्वर्ण दान, उसके बाद क्या दान, उसके बाद क्या बोला मैंने दूसरा, कन्या दान, गौदान, गौदान, कन्या दान और स्वर्ण दान, स्वर्ण सुना 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 दान। से यज्ञे तिनि प्रचुर दक्षिणा दान करेछिलेन, से यज्ञे तिनि प्रचुर दक्षिणा दान करेछिलेन एवं से यज्ञे साधारण मानुषेराओ स्वर्गेर देवताओं दर्शन करते, दक्षिणा प्रचुर दक्षिणा दान करेछिलेन, दान करेछिलेन दक्षिणा, दक्षिणा किसी को दिया जाता है, किसको दिया जाता है दक्षिणा, बोलो दक्षिणा किसको दिया जाता है, हम लोग जो दीक्षा लिखता है किसको दक्षिणा देते हैं हम लोग गुरु को ना, तो गुरु को दक्षिणा दिया जाता है, ऐसा नहीं कि अकेले गुरु को दक्षिणा दिया जाए, पता है ना, हाँ गुरु का माँ जो जो मेरे को क्या मुक्ति दिलवाएगा है, अज्ञान अज्ञान से ज्ञान का मार्ग में ले जाएगा, इसी को सिर्फ हम दक्षिणा देंगे ऐसा बात नहीं है, उसी उसको तो दिया जाता है ये तो कॉमन है, लेकिन कि दक्षिणा उसको भी दिया जाता है जो क्या आपका
आपको जो आदमी आपको आपका भलाई के लिए, पता है ना, आपका भलाई के लिए कोई भी चीज करे, ठीक है ना, कोई भी चीज करे आपको भलाई के लिए, आपको उद्धार के लिए कोई भी चीज करे, उसको भी दक्षिणा दिया जाता है, ठीक है ना। जैसा यहाँ पे है, दक्षिणा दिया राजा ने किसको, जो आदमी लोग यज्ञ करवाया था, हैं, दैट मीन्स जो आदमी लोग के द्वारा ही यज्ञ करवाया गया था, हैं, जो आदमी लोगों ने यज्ञ कराया उसी लोग को दक्षिणा दिया, पता है ना, दक्षिणा बोला था ना, आश्रम में यज्ञ किया था, तो यज्ञ में यज्ञ जो जो आदमी ने किया था उसी लोग को दक्षिणा दिया, कौन दिया, परीक्षित ने। এবং এই যজ্ঞে সাধারণ মানুষেরাও স্বর্গের দেবতাদের দর্শন করতে পেয়েছিলেন। এবং এই যজ্ঞে সাধারণ মানুষেরাও স্বর্গের দেবতাদের দর্শন করতে পেরেছিলেন। হামলে কেউ নেই কর পে স্বর্গ কা দেবতা, স্বর্গ কা দেবতা তো ও ভি জীব হ্যাঁ, হাম ভি জীব হ্যাঁ, হ্যাঁ, লেকিন এসা কিয়া হো গিয়া যে ওলোক হামলোক কো দর্শন দেনে কা কিয়া হ্যায়, हैं, नाराज नहीं है कि नाराज है, नाराज एक हैं, उन लोग दर्शन देने के लिए क्या विलिंग नहीं है, लेकिन क्यों नहीं, हाँ वो लोग तो जीव, हम लोग तो जीव, लेकिन अंतर क्या है, ब्रह्मा भी जीव, पता है ना, ब्रह्मा जीव है, पता है ना, नहीं नहीं, नहीं पता है, ब्रह्मा को जीव बोलो जी, पता है ना, पता है ना कितना क्वालिटी है ब्रह्मा का, ब्रह्मा का कितना क्वालिटीज है, हैं, हम लोग को कितना क्वालिटी है, हाँ यू आर करेक्ट, हम लोग भी 50 क्वालिटीज हैं, ब्रह्मा का भी 50 क्वालिटीज हैं, क्योंकि ब्रह्मा भी हम लोग को जैसा एक जीव है, पता है ना, मैं जैसा इंसान है साधारण आदमी होके, और जो कि प्रधानमंत्री वो भी तो इंसान है ना, ना वो भी कौन इंसान नहीं है, वो भी इंसान है, लेकिन अंतर क्या है, वो प्रधानमंत्री हैं और हम साधारण मनुष्य हैं, साधारण इंसान हैं, ठीक है ना, तो इस ऐसा ही क्या अंतर होता है देवता के साथ और हम लोग के साथ, लेकिन है तो जीव, है तो जीव, है तो जीव, वो लोग का भक्ति मार्ग क्या, भक्ति मार्ग के बहुत एडवांस हैं, एडवांस पता ना, वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत एडवांस हैं, प्रधानमंत्री क्या हम और आप जैसा आदमी की मिल सकेंगे क्या, हैं, मिल नहीं सकेंगे ना, प्रधानमंत्री को सकेंगे क्या, मिल सकेंगे क्या, अगर अगर जाने के लिए कोशिश करेंगे तो क्या गार्ड गार्ड में जाने के लिए नहीं देगा ना, अंदर देखे क्या, तो ऐसी हम लोग भी जीव हैं, बम्मा भी जीव हैं, फिर भी बम्मा का की बम्मा हम लोग का से भक्ति लाइन में बहुत एडवांस हैं, पता है ना, एडवांस हैं, एडवांस, तो इसलिए भगवान का साथ वो लोग को क्या है मिलना जुलना होता है, वो भी वो लोग दिखता भी है, लेकिन हम लोग दिखता नहीं, क्योंकि हम लोग एक भक्ति में इतना एडवांस नहीं, पता है ना, भक्ति में एडवांस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो तो इतना दिन से बोल रहा हूँ मैं, और क्या है एडवांस करो,